एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं की जसवाल आज हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है, उनसे क्वेश्चन करेंगे। तो आपने 50 रुपये का नोट तो जरूर इस्तेमाल किया होगा, आपके हाथ में भी होगा। और 50 रुपये के नोट के पीछे जो चित्र बना रहता है हम्पी सभ्यता का, तो उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन इनसे करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? हाँ, हम लोग रेडी हैं। तो आप बता सकते हैं कि हम्पी सभ्यता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व पुरातत्व घोषित किया गया था? 1986 में। सही बात है। आप बता सकते हैं कि हम्पी सभ्यता में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम। गोपुरम क्या कहा जाता है? गोपुरम। सही बात है, गोपुरम कहा जाता था। तो अच्छा, इंग्लिश का पूछ लेते हैं इससे, आप इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है ना? हाँ। अच्छा, आपने आर्ट्स स्ट्रीम लिया है? हाँ, आर्ट्स में। तो आर्ट्स में आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया? हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आपने लिए हैं इसमें। तो आप इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप सिंपल से करते हैं। आप बताइए ग्रामर का स्पेलिंग क्या? GRAMMAR ग्रामर। सही जवाब है ग्रामर। इसका हिंदी बता सकते हैं ग्रामर का? ग्रामर का हिंदी नहीं बता। तो ये हम्पी सभ्यता को और जो गोपुरम था किससे संबंधित था? मंदिर से था। सही जवाब है। अच्छा, भारतीय इतिहास को कितने खंडों में विभाजित किया गया, कितने काल में? 3। कौन कौन से गिना सकते हैं? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। सही जवाब है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तीन खंड थे इतिहास के। तो अब बता सकते हैं मानव भूगोल का परिचय क्या बोलते हैं? मानव भूगोल वुमेन ज्योग्राफी। मानव भूगोल वुमेन ज्योग्राफी। सही जवाब है, वुमेन ज्योग्राफी कहा जाता है। तो अब बताते हैं कि प्राचीन भारत को कितने कब से शुरू हुआ? 1750। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। वो बदल चुके हैं। तो ठीक है, इनका वर्तमान का प्रधानमंत्री का पता नहीं है, शहजाद नाम उसका, शहजाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।